नमस्कार, और कैसे हो? तो अपने फार्म से जितना भी गोबर आता है गायों का, वो सारा गोबर अपने इधर कलेक्ट करते हैं, और फिर कुछ महीनों में गोबर खाद बन जाता है। तो आज अपन ये खाद अपने खेत में गिरवाने वाले हैं, तो इसके लिए आज जेसीबी और ट्रैक्टर बुलवाए हमने, तो उसके मदद से ये खाद गिरवा देंगे खेत में, और फिर इसके जगह पे अपन मिट्टी डलवाएंगे, बालू मिट्टी। क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इधर अपने फार्म में रोड की साइड में चार दीवारी निकलेगी ईंटों की, तो इधर अपन गेट लगवाएंगे, फार्म का गेट रहेगा इधर, वो तो इसके लिए इधर मिट्टी डलवाएंगे, बहुत सारी मिट्टी। इस साइड से
इधर मिट्टी डालने का काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए आप लोग, बहुत सारी मिट्टी डलवा दी अपने एक साथ, लगभग 15-16 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ मिट्टी की डली हैं इधर बहुत सारी। अपना प्लान तो बहुत आगे तक मिट्टी डलवाने का था, बट एक बार इधर से ही डाल के काम चलाएंगे, उसके बाद में अपन फार्म और आगे बढ़ाएंगे, तब और बहुत सारी मिट्टी डलवानी पड़ेगी। बट उससे पहले अपन को ये जो इधर की साइड की दीवार है वो दीवार निकलवानी ज़रूरी है, तो एक या दो दिन में दीवार निकालने का काम भी शुरू हो जाएगा। और इधर अपना गेट बनेगा ताकि फार्म में गाड़ी वगैरह आने जाने के लिए गेट रह सके। वैसे गेट तो अपन इधर किसी भी जगह बना सकते थे, बट इधर क्या प्रॉब्लम है, अपने जो खेत हैं वो खेत नीचे रह जाते हैं सड़क के कंपेरिजन में। सड़क बहुत ज़्यादा ऊंची है, लगभग खेत से 5 फीट की ऊंचाई पे सड़क बनी हुई है, बाकी खेत बहुत नीचे रह गए, तो इसलिए गाड़ी को चढ़ाने उतारने में आदि कामों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अपन ने इधर बहुत सारी मिट्टी डलवा के पहले तो अपन को इस जगह को ऊंचा किया है ताकि सड़क के थोड़ा बहुत लेवल में आ सकें। और बाकी इधर जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो बारिश होने की वजह से इधर जो पानी भरता है उसकी वजह से अपने को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अपन ने बहुत सारी मिट्टी डलवा दी है। ये देखो आप लोग, और अपने जो कोरिगेटेड बॉक्स ख़त्म हो गए थे वो भी अपन ने रेडी करवा लिए हैं। ये देखिए आप लोग, ये सारे 1 लीटर वाले जार के लिए कोरिगेटेड बॉक्स रेडी करवाए हैं मैंने, ये सारे 1 लीटर वाले जार के लिए हैं, और 0.5 लीटर वाले और बोतल के लिए ये रेडी करवाए हैं मैंने। इनमें ये 0.5 लीटर वाले जार के लिए हैं ये सब टोटल, और बोतल के लिए ये साइड वाले हैं। ये देखिए ये बोतल के लिए है, और इन्हें बोतल पैक होने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगी, और इसमें अच्छे से पैक हो गई बोतल तो टूट फूट का डैमेज का जो खतरा रहता है वो कम से कम हो जाता है, कस्टमर के पास बिल्कुल सेफली डिलीवरी हो जाती है। और ये जो बॉक्स तैयार करवाई है अपने 5 प्लाई के रेडी करवाई है, देखो आप 5 प्लाई मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, डैमेज का खतरा कम से कम रहता है। और इसके अलावा ये कुछ घी के बॉक्स रेडी कर रखे हैं मैंने, ये 1 लीटर वाला घी का जार है और इसमें 0.5 लीटर वाला है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 20 बार तो बहुत सारी क्वांटिटी में बॉक्स रेडी करवा लिए, देखो इधर ढेर लगा रखा उधर ढेर लगा रखा, तो इसका रीज़न ये है कि अपन कुछ 4-5 प्रोडक्ट और निकालने वाले हैं घी के अलावा। अभी तो ओनली अपना घी और मस्टर्ड ऑयल ही है, लेकिन अब मस्टर्ड ऑयल के अलावा और 4-5 प्रोडक्ट और आने वाले अपने, तो उसके लिए फिर मैंने बहुत सारे बॉक्स एक साथ ही रेडी करवा लिए ताकि बाद में अपने को ये बॉक्स ख़त्म हो जाने वाली समस्या का सामना ना करना पड़े, पहले से अपन इसका जुगाड़ करके रखें। तो इसके लिए मैंने ये बहुत सारी क्वांटिटी में बॉक्स एक साथ ही रेडी करवा लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी बनी है। चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, बाय।